नमस्कार। पितृदोष कारण और निवारण इस श्रृंखला के दूसरे भाग में डॉक्टर रविराज अहिर राव का नमस्कार। दोस्तों, पहले हिस्से में हमने पितृदोष के कारण और लक्षण और उनके मानवीय जीवन में परिणाम इस बारे में चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे पितृदोष निवारण के उपाय। चलिए अब हम पितृदोष निवारण के ऊपर चर्चा करते हैं। इस विषय में पहला उपाय यह है, पितृपक्ष में रोज एक मंत्र का जाप आपको करना है और हो सके तो उस मंत्र के साथ यज्ञ आहुति भी करनी है। मंत्र है, ओम श्री पितृदोष निवारणाय कलेशम हम हम सुख शांति देही फट स्वाहा। ओम श्री सर्व पितृदोष निवारणाय कलेशम हम हम सुख शांति देही फट स्वाहा। ये मंत्र हम और यज्ञ रोज करें। दूसरा बहुत ही इफेक्टिव, यानी हमने वास्तु रविराज में हजारों परिवारों के साथ इस प्रयोग से बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। बहुत ध्यान से सुनिए, अपने घर के नैऋत्य कोण में या दक्षिण कोण में सुबह 11:30 से 12:30 के बीच हो सके तो, वरना आपकी समय के अनुसुविधा के अनुसार 2 निवाला चावल जिसके ऊपर दही डाल के आपको दक्षिण या नैऋत्य कोण में रखना है। रखते समय आपको भगवान को प्रार्थना करना है, हे भगवान, मेरे मातृगृह से, पितृगृह से तथा पत्नी गृह से सभी पितरों को मुक्ति मिले, वे इस प्रसाद का भोग का स्वीकार करें, उन्हें मुक्ति मिले और उनके आशीर्वाद हमें प्राप्त। इस तरह 45 दिन ये प्रयोग करना है और उसके बाद हर महीने अमावस के दिन ऐसी 12 अमावस ये प्रयोग करें। बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन दोस्तों पितृदोष निवारण में बहुत ही इफेक्टिव है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तीसरा है कि आप उपाय के साथ सेवा भी करें। यानी एक तरफ आप, जैसे मैंने कहा कि मंत्र का जाप करें, तो दूसरी ओर आपको बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी है। यानी मैं कहूंगा, अगर आप आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही स्ट्रांग हो तो आप खुद एक वृद्धाश्रम निर्माण करें, और अगर वृद्धाश्रम निर्माण नहीं कर सकते हो तो हमेशा ऐसे वृद्धाश्रम को बड़े पैमाने पर जितनी अच्छी सहायता आप कर सकते हो वो जरूर करें। उसी के साथ साथ अपने घर में, अपने परिचय में, रिश्ते नाते में जितने भी सारे बुजुर्ग होंगे उनको अच्छी तरह से समाधान देने का प्रयास करें, उनकी सेवा करें, उनके उन्हें समय पर दवाई या उनके साथ अच्छी बातचीत करें, उनके साथ एक उनका समय अच्छा बीत सके, ऐसे प्रयास जरूर करें। उसी तरह सभी अपने बुरे कर्मों को पूर्ण रूप से कंट्रोल करें। साथ साथ सूर्य मंत्र, ओम राम रीम रौं स सूर्याय नमः, ओम राम रीम रौं स सूर्याय नमः, ये सूर्य मंत्र, गायत्री मंत्र आप सभी को मालूम है, और तीसरा गुरु का मंत्र, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौं स गुरवे नमः, ये तीनों मंत्र रोज 11 बार कहें। इससे भी आपको निश्चित रूप से पितृदोष निवारण में बहुत अच्छा फायदा होगा। पितृपक्ष के 15 दिन में, सवा लाख जप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र का जाप 125,000 बार संकल्प के साथ करना है, और आखिरी दिन ये घोषित करना है कि हे भगवान, ये 125,000 का जाप
मैं अपने पितरों के प्रति समर्पित करता हूँ और उन्हें मुक्ति देना, उनका भला हो और उनके आशीर्वाद से प्राप्त हो। उसी तरह रोज अपने घर में गुग्गुल की धूप जलाए तथा पितृदोष निवारण यंत्र की स्थापना करें। पितृदोष निवारण सिद्ध किया हुआ यंत्र आपको वास्तु रविराज में मिल सकता है तथा पितृपक्ष में रोज खीर और रोटी गाय कुत्ता और कौवे को अगर रोज खिलाते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपके माता पिता या आपके घर में जिस तिथि को श्राद्ध किया जाता है उस दिन जरूर करें। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि अपने पितरों का जो बरसी होती है उस तिथि को तथा पितृपक्ष की तिथि को श्राद्ध करना, यानी आपके परिवार तथा आपके जो रीजन में आप रहते हैं वहां की जो प्रथा है उस प्रथा के अनुसार आप श्राद्ध करिए। और खास करके सर्व पितरी अमावस्या के दिन श्राद्ध आप जरूर करें। मैं फिर दोहराता हूं कि सर्व पितरी अमावस्या का श्राद्ध आप जरूर करें और उस दिन जिस वक्त कौवे के लिए, गाय के लिए, कुत्ते के लिए तथा अग्नि के लिए जो ग्रास समर्पित करते हो तब आपको भगवान को प्रार्थना करनी है कि मेरे परिवार से संबंधित सभी पितरों को तथा उन सभी ज्ञात और अज्ञात पितरों को मुक्ति मिले जिनका कोई करने वाला नहीं है, उनके लिए आपको प्रार्थना करनी। और सर्वपित्री अमावस्या के श्राद्ध में बहुत बड़ी ताकत होती है। तथा दोस्तों एक बात याद रखिए कि पितृपक्ष के दरमियान शनिवार दोपहर को काला तिल बहते हुए पानी में समर्पित करें। इस दौरान यानी पितृपक्ष में पीपल तथा बरगद के पेड़ जरूर लगाएं। ये हमारी कुदरत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तथा बृहस्पतिवार को अगर आपके परिचय में या इर्द गिर्द में कोई कुष्ठ रोगी हो तो उनकी सेवा जरूर करें। पितरों की तस्वीर मंदिर में, बेडरूम में, किचन में या ब्रह्मस्थान में कभी भी नहीं लगाए, केवल उत्तर और वायव्य कोण के बीच में ही लगाए और उनका चेहरा दक्षिण या नैऋत्य की तरफ हो। उसी तरह रविवार छोड़कर बाकी सभी दिन पीपल के पेड़ को मीठा जल अर्पण करें तथा 7 प्रदक्षिणा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। दोस्तों हर अमावस्या को गौ माता को हरा घास खिलाए या फिर 3 प्रकार के फल फ्रूट्स उसे खिलाए। उसी तरह अगर पॉसिबल हो तो अमावस के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन साथ में दक्षिणा दे तो वो भी एक बहुत अच्छा माना जाता है। और अंत में मैं ये कहूंगा कि ब्राह्म मुहूर्त पर शिवलिंग पे जल अभिषेक करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। मैं निश्चित रूप से आपको कहता हूं कि ये उपाय करने से या इनमें से ज्यादा उपाय करने से आप पितृदोष निवारण में सफल होकर अपनी आयुष्य में सफलता, मन शांति, समाधान, समृद्धि प्राप्त करने में जरूर सफल हो। दोस्तों कर्म बहुत महत्वपूर्ण है। कड़ी मेहनत के बाद अगर सफलता नहीं मिलती है तब और केवल तब ही पितृदोष के बारे में विचार करें और बताए हुए उपाय करके आपके पितरों को मुक्ति मिलने में सहायता दे। और दोस्तों एक बात याद रखें, अगर आपकी जिंदगी में किसी भी पितर की मुक्ति करने में अगर आप सफल होते हो तो वो आपके जीवन की
सबसे बड़ी पुण्यमय पूंजी हो। इसी के साथ आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट।